प्यारे बच्चों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड देखिए एक और थ्योरम सॉल्व करेंगे। ये जो है यस ए यस सिमिलरिटी। देखिए एक्चुअल में इसके पहले हम लोगों ने ए सिमिलरिटी, इसका मतलब ध्यान दीजिए तीनों भाई एक ट्रायंगल का जो थ्री एंगल है दूसरे ट्रायंगल का थ्री एंगल इक्वल गिवन था। उसके बाद हम लोग दूसरा जो थ्योरम यस 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 सिमिलरिटी सॉल्व किए, जिसमें जो है जो वन ट्रायंगल एंड अदर ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के साइड्स में रेशियो गिवन था, उसी जो है यस 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 सिमिलरिटी में मैंने आपको ए सिमिलरिटी भी बताया। इस समय जो है ये जो है यस ए यस सिमिलरिटी, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब टू साइड में रेशियो बोलेगा और वन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए मैं पढ़ भी रहा हूं थ्योरम को, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर, इसका मतलब एक ट्रायंगल आपको ध्यान दीजिए ये जो ट्रायंगल है आपका सपोज करिए एबीसी है, एबीसी ध्यान दीजिए। अच्छा दूसरा ट्रायंगल भी हम यहीं पर ड्रा कर लें, दूसरा ट्रायंगल भी हम डीईएफ। एक चीज मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, देखिए एक्चुअल में ये जो दूसरा ट्रायंगल हम लार्ज साइज का खींच रहे हैं ये कंडीशन होता है कि जो है आप जो है क्या करेंगे ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये डी अपान ए बी का रेशियो वन से अधिक होना चाहिए, बस वन से अधिक है, इसी कंडीशन के लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल में जो है आप जो साइड है ये जरूर जो है लार्ज बनाएंगे, तो डी ई एफ चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअल में तो गिवन में क्या है, इसका वन एंगल है इसका वन एंगल इक्वल है, इसका मतलब यहां पर गिवन हम लोग लिख लें तो गिवन में क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, चलिए ठीक है। साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, देखिए इसका मतलब ये जो एंगल इक्वल हैं ये दोनों, इन देखिए इस एंगल को बनाने में दो साइड जो है देखिए पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें भी दो साइड पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनमें क्या कह रहा है कि प्रोपोर्शनल है, बात समझिए। इसका मतलब ए बी देखिए ए बी अपान डी, ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ये गिवन है, ये आपका गिवन है। देख लीजिए फिर से पढ़ दे रहा हूं, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये जो टू ट्राइंगल्स हैं इसको सिमिलर जो है प्रूफ करना है। तो देखिए ये बात बताते हैं, वो जो इसके पहले ए सिमिलरिटी और यस 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 सिमिलरिटी में आपने देखा था कि ए सिमिलरिटी में एंगल्स इक्वल थे और उसके बाद प्रोपोर्शन के लिए कहा था साइड में प्रोपोर्शन जो है आप उसको फाइंड आउट करके तब सिमिलर करना था, उसी तरह यस 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 सिमिलरिटी में साइड्स में जो है आपका क्या था प्रोपोर्शन था, बात समझिए। लेकिन जो है उसमें हम लोग ने ये इक्वल कर दिया, बट इसमें जो है अगर आपने देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, अगर आपने एंगल बी इक्वल टू ई एंगल सी इक्वल टू एफ भी कर दिया तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा भाई। देखिए क्योंकि हम लोग अब पढ़ चुके ना
कि अगर इक्वी एंगुलर हैं, टू ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं, तो उनके साइड्स में भी क्या होगा, उनके साइड का जो रेशियो होंगे करस्पॉन्डिंग साइड के वो इक्वल होंगे। तो यहां पर हमको अब जो है देखिए गिवेन के बाद ये टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तो प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा देखिए अब हम क्या लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है सब कंस्ट्रक्शन। देखिए इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम है, ए बी के इक्वल डी ई में से कट कर लीजिए डी पी। देखिए ए बी इक्वल टू डी पी, आप क्या करिए इसमें से ए बी के इक्वल डी पी जो है कट करना है, और ए सी के इक्वल डी क्यू जो है क्या करना है, कट करना है। ध्यान दीजिए ये जो है इसका मतलब ध्यान दीजिए ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू मैंने कट कर लिया। अब जो है ज्वाइन पी टू क्यू भाई देखिए डी से पी कट कर लिया इसके इक्वल, और डी से क्यू कट कर लिया ए सी के इक्वल, अब पी और क्यू को क्या कर दिया ज्वाइन, यहां लिख दिया जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ। देखिए एक बात बता रहे, हमने आपको अभी बताया था कि टू ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये एंगल इक्वल है, अगर आप ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल देखिए ध्यान दीजिए ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं, बात समझिए, इसको इक्वल कर दीजिए दोनों सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब बताइए अब देखिए इसके पहले आप जो भी थ्योरम पढ़े हैं तो आप समझे हैं कि निश्चित रूप से क्या है कि आप देखिए जो भी क्या करेंगे एपी वर्मा निश्चित रूप से इसको पैरेलल साबित कर देंगे, बात समझिए। और ये जब पैरेलल साबित हो जाएगा तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, या ये एंगल इसके इक्वल करके इस करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो पैरेलल साबित हो जाएगा। यही तो काम मैं हरदम कर रहा हूं, यही तो मैं काम हमेशा कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जरा देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवेन है, ए बी इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन से, और ए सी इक्वल टू ध्यान दीजिए ए सी इक्वल टू डी क्यू कंस्ट्रक्शन से। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये छोटा वाला ये जो है आपका कांग्रुएंस है, तो जब कांग्रुएंस है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा जो कांग्रुएंस करेंगे, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, बात को समझिए। और इसके अलावा ये जो रेशियो दिया है इससे भी आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये इसके जो है आपका पैरेलल होना है या करेस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो इसलिए घबराइए मत। आप सबसे पहले क्या करिए इन दोनों ट्राइंगल को जो कि दिखाई पड़ रहा है ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, चलिए क्या है ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू देखिए एंड बी देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी देखिए तीन आइटम जो है हमारा इक्वल हो गया भाई। देखिए दिस इक्वल टू दिस एंड देखिए आप समझिए ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, सो ट्राइंगल ए बी सी जो है क्या होगा कांग्रुएंस होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। चलिए अब आप समझ गए, तो आपको राइट है क्या एंगल बी इक्वल
इक्वल टू एंगल पी लिखने का, एंगल पी लिखने का। इसके अलावा आपको राइट है एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू लिखने का, ये आपको राइट है। देखिए ना, ये आपको राइट है भाई, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल। जब आप कांग्रुएंस कर दिए तो देखिए रिमेनिंग आइटम इक्वल होते हैं। आप चाहें तो BC इक्वल टू PQ भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है तो। तो ये यहां तक आप प्रूफ कर लिए क्या? देखिए मैं फिर से एक बार, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, बस। अब आपको कुछ भी नहीं, अब देखिए बहुत इजी बात है, इसको इसको पैरेलल साबित कर दीजिए बस। अरे भाई इसको इसको पैरेलल साबित कर दीजिए, तो ये जब पैरेलल जो है हो जाएंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस और दिस एंगल इक्वल विल बी इक्वल टू दिस। तो देखिए ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, बस अब पैरेलल साबित करना है आपको। अच्छा अब जो देखिए पैरेलल कैसे साबित होगा, आप देखिए गिवन में, गिवन को क्रो की तरह देखना है। गिवन में आपका एक आइटम यहाँ बचा हुआ है उसका यूज करिए, देखिए अरे भाई रेशियो है तो रेशियो से पैरेलल साबित करिए। तो ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ध्यान दीजिए यहीं पर मैं लिखूंगा, ए बी के जगह पर आप ए बी के जगह पर डी पी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया डी पी अपान डी ई। अरे भाई ऐसा है ना, इस साइड को हम लोग इस साइड मतलब इस ट्रायंगल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं बस। जब इस ट्रायंगल में ट्रांसफर कर देंगे तो आपका थेल्स थ्योरम लग जाएगा, चाहे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा बस। तो देखिए एसी के प्लेस पर, एसी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी क्यू, तो डी क्यू अपान डी एफ, डी क्यू अपान डी एफ। देखिए ये हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया, ये तो गिवन था। अब हमने इसको ऐसे देखिए कंस्ट्रक्शन से ए बी इक्वल टू डी पी ए सी इक्वल टू डी क्यू यहां तक पहुंचे। अब इसको फिगर में ले आइए, देखिए डी पी अपान डी ई इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अरे भैया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अरे मैंने तो कितनी बार आपको बताया, आपने रेशियो जो है इस ट्रायंगल में जो है रेशियो कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब जो है आपने पी क्यू पैरेलल टू ई एफ साबित कर दिया, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब बताइए एंगल पी विल बी इक्वल टू एंगल ई, देखिए एंगल पी विल बी करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल क्यू देखिए एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल एफ। अरे भाई ये दोनों क्या है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग है और ये इसका, क्योंकि पैरेलल साबित हो गया ना, तो इसको थ्री लाइन से डिनोट करिए आप और इसको टू जो है बस। तो देखिए ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ये आप पा गए, देखिए एंगल पी इक्वल टू ई और यहां पर एंगल पी इक्वल टू बी है। देखिए देखिए इसका मतलब पी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बी, तो यहां पर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। देखिए और देखिए एंगल क्यू इक्वल टू सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। मैं यहां रिजल्ट लिख दे रहा हूं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू देख लीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बस। तो ये क्या हो गया भाई, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या हो गया इक्वल। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, हेंस प्रूव्ड।
बहुत इजी था, इसलिए इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यहां तक हमने कांग्रुएंस किया था, इसके बाद ये प्रॉपर्टी जो कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी होता है अकॉर्डिंग टू कांग्रुएंस प्रॉपर्टी, इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद गिवन से जो है, ये तो ये गिवन था, और इसको गिवन को जो है गिवन का यूज करके हमने जो है इस फिगर को इस फिगर में ट्रांसफर कर दिया, पी की इक्वल टू ईएफ, ये पैरेलल हो गया, और उसके बाद करिस्पॉन्डिंग एंगल से इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो वीडियो का ये पार्ट जो है समाप्त हुआ, फिर जो है अगला थ्योरम या अगला न्यूमेरिकल अगले पार्ट में हम जो है आपको बताएंगे। धन्यवाद।